आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं और अगर मतदान केंद्रों की हम बात करें तो वहां पर मतदाताओं की संख्या जो है वो काफी संख्या में देखी जा सकती है, क्योंकि तीसरे चरण का मतदान है, बेहद अहम है। 16 जिलों की 59 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। ऐसे में लगातार न्यूज वन इंडिया की चुनावी कवरेज बरकरार है। अलग अलग जगह से तमाम रिपोर्टर्स, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे रूबरू कराएंगे। उससे पहले तस्वीरें आपको दिखाना हम चाहेंगे, कुछ तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखाएंगे, जहां पर आप देखेंगे कि मतदान प्रक्रिया जो है सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है, शाम 6 बजे तक मतदान होगा। तो ये सीटें बेहद अहम मानी जा रही है और आप टेली के माध्यम से भी समझ पाएंगे कि किस तरह से कौन कौन से दिग्गज ऐसे जिनकी साख आज दांव पर लगी हुई है। तो ऐसे में बड़े चेहरे भी आप टैली पर देख पाएंगे। अगर 2017 के रण के गणित की हम बात करें तो यहां पर बीजेपी को करीब करीब 40% जो बढ़ोतरी है वो मिली थी। बीजेपी 312, एसपी 47, बीएसपी 19 और कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी, अन्य को 18 सीटें मिली थी। तो उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान के लिए आज मतदान शुरू हो चुका है। 16 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। यूपी चुनाव 2022 के तीसरे चरण के दौरान 59 विधानसभा सीटों के लिए करीब 627 बड़ी संख्या 627 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो तीसरे चरण में 2.15 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं और ये जो 2 करोड़ की संख्या है, आज 327 जो प्रत्याशी हैं उनके किस्मत ईवीएम में कैद कर रहे हैं, जिनमें से 1.16 करोड़ पुरुष हैं। वहीं अगर बात की जाए महिला मतदाताओं की तो करीब 99 लाख से ज़्यादा महिला मतदाता है जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के पात्र आज बने हुए हैं। तो 15,553 मतदान केंद्रों पर 25,741 मैनपुरी जैसे प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में तीसरे चरण में मतदान हो रहा है। तो बीजेपी अपनी रणनीति को पूरी तरह से मजबूत कर चुकी है। यहां वो अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा से कड़ी प्रतिस्पर्धा है। वहीं बीजेपी ने 2014 से इस क्षेत्र में बढ़त हासिल की थी और उससे पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में अधिक सीटें जीतने का भरोसा दिलाया है। तो ऐसे में यहां पर कितनी सीटें बीजेपी निकाल पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि इनमें से कई सीटें ऐसी है जहां जहां आज मतदान हो रहा है, जहां सपा का वर्चस्व रहा है। हालांकि 2017 में बीजेपी ने कई अहम सीटें यहां पर जीती थी। तो आज जिन 16 जिलों में मतदान होने हैं उनमें औरैया, एटा, इटावा, फरुखाबाद, फिरोजाबाद, हमीरपुर, हाथरस, जालौन, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, ललितपुर, महोबा और मैनपुरी शामिल हैं। ये मुख्य जिले हैं जहां पर आज 59 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह के प्रोटोकॉल्स हैं, वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि मैनपुरी की करहल सीट पर सभी की नजरें बनी हुई है, बेहद हॉट सीट, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी यहां से चुनावी मैदान में हैं। तो मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इसी सीट पर सभी की नजरें, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव को घेरने के लिए भाजपा ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारा है। तो कानपुर देहात का सबसे पहले हम रुख करेंगे। कानपुर देहात से मेरे सहयोगी जितेंद्र यादव मेरे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कैसी तस्वीरें कानपुर देहात में? देखिए, आज सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और मतदान को लेकर लोगों में अच्छी खासी रुचि देखी जा रही है। बात करें अकबरपुर रनिया विधानसभा के, तो यहाँ पर सुबह 7 बजे से पोलिंग बूथ पर लोगों की आना जाना शुरू हो गया था। अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले लोग लगातार यहाँ बूथ पर पहुंच रहे थे। चुनाव आचार संहिता के पालन स्वरूप जो भी गाइडलाइंस आई थी जिला प्रशासन को लागू करवाने के लिए, वो भी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर ली गई है और साथ ही जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका भी पालन करने के लिए व्यवस्थाएं लगातार चाक चौबंद यहाँ जनपद कानपुर देहात में देखी जा रही है। जी बिल्कुल, अगर कानपुर देहात की हम बात करें तो कानपुर, जब जब कोई भी व्यक्ति नाम सुनता है तो कहीं ना कहीं जो आपराधिक ग्राफ है वो उसके सामने उभर कर सामने आ जाता है। कानपुर देहात में कई बड़ी बड़ी आपराधिक घटनाएं हुई हैं, ऐसे में इसका असर इन विधानसभा चुनावों में कितना पड़ सकता है?
देखिए बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि आपराधिक घटनाओं की बात करें तो कानपुर देहात और कानपुर नगर दोनों में एक समानता ये है कि आपराधिक घटनाएं दोनों में एक जैसी ही, मतलब केसेज अगर बात करें तो लगातार बढ़ते हुए देखे जा रहे थे। पिछले 5 साल की अकॉर्डिंग आज भी अगर बात करें तो स्थितियां सामान्य नहीं है। आपराधिक मुकदमे हो या क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात करें तो लगातार स्थिति बेहतर नहीं कही जा सकती। लेकिन चुनावी मुद्दों की बात करें तो अन्ना मवेशी हो, बेरोजगारी हो और जो महंगाई का मुद्दा है उसी मुद्दे पर लगातार जनता चोट करने वाली है अब की बार। बिल्कुल जितेंद्र, इसके अलावा कानपुर देहात में कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो मैदान में हैं, किसमें कांटे की टक्कर देखी जा सकती है? देखिए कानपुर देहात की 4 विधानसभाओं सीटों की बात करें तो बीजेपी ने दो, एक तो राज्य मंत्री जो सिकंदरा विधानसभा से मौजूदा समय में चुनाव क्षेत्र में है और दूसरे प्रत्याशी है अकबर पुरनिया विधानसभा से प्रतिभा शुक्ला बीजेपी से। ये दो चेहरे हैं जो पिछली बार भी थे और इस बार भी चुनावी रण में है। तो इनके बात करें तो ये लोग लगातार अपनी वोट को लेकर जनता के बीच गए थे। लेकिन सिकंदरा विधानसभा की बात करें तो जो राज्य मंत्री है उनके द्वारा लगातार चुनावी क्षेत्र में जा रहे थे, अपनी बात कह रहे थे, लेकिन इनका विरोध भी लगातार यहाँ देखा जा रहा था। हॉट सीट की बात करें तो सिकंदरा विधानसभा जो कि अजीत पाल सिंह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंत्री थे उनके द्वारा ये चुनाव लड़ा जा रहा है। वहीं प्रतिभा शुक्ला पिछली बार 2017 में यहाँ से MLA थी अकबर पुरनिया विधानसभा में, तो वो भी इस बार रण पे है और लगातार अपने लिए वोट की मांग करती हुई देखी गई। फिलहाल आज फैसला है और जो फैसले की घड़ी मान सकते हैं इसको कि आज किस तरह से लोग उनके प्रति आकर्षण होता है, किन मुद्दों के तहत लोगों के लिए ये अहम बात होगी आज के दिन। बिल्कुल जितेंद्र, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कानपुर देहात में फिलहाल किस तरह की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि यहाँ सुबह से ही मतदान शुरू हो चुका है, क्या काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए? देखिए कानपुर देहात की 4 सीटों में बात करें तो सबसे ज्यादा अगर पिछली बार का रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो अकबर पुरनिया विधानसभा में सबसे ज्यादा वोटिंग पड़ती है और यही रिकॉर्ड सुबह से ही यहाँ पोलिंग बूथ पर देखा जा रहा है कि लोगों की भीड़ यहाँ पोलिंग बूथ पर पहुंच रही है, लोग लगातार अपने प्रत्याशी का चयन। दरअसल मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी और अन्ना मवेशी, इन 3 मुद्दों पर जनता वोट की चोट करने वाली है और इसी के तहत लगातार लोग पहुंच रहे हैं। अन्य विधानसभाओं की बात करें सिकंदरा और भोगनीपुर और क्या नाम रसूलाबाद, इन विधानसभाओं में लोग जुट रहे हैं धीरे धीरे। हालांकि जैसे जैसे धूप ऊपर उठेगी, हालांकि गर्मी का प्रकोप भी बढ़ेगा और इसी के साथ मतदाता भी अपने घर से निकलकर लगातार वोट करते हुए देखे जाएं। फिलहाल अब तक कितनी ज्यादा संख्या देखी जा सकती है मतदाताओं की जितेंद्र? देखिए बिल्कुल ये बात कह सकते हैं कि सुबह से जो शुरुआत होती है तो लोग अपना हर काम छोड़ के सबसे पहले मतदान, जो जिला प्रशासन की जागरूकता अभियान के तहत भी शामिल था कि सबसे पहले आपको मतदान करना है, तो मतदान की प्रक्रिया को लेकर लोग जागरूक हैं और सुबह सुबह पर ज्यादा से ज्यादा आपको भीड़ यहाँ मतदान बूथों पर दिखेगी और लोग अपने आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा इस महापर्व में लेते हुए देखे जा रहे हैं। बिल्कुल, और आज रविवार का दिन भी है, वैसे भी लोगों की छुट्टी है, तो ऐसे में क्या कुछ ऐसी तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है कि लोग आराम से आएंगे, अभी उतनी ज्यादा संख्या देखी नहीं जा सकती? देखिए लोगों को आराम से अगर बात करें आने की तो सारा काम वो छोड़ के सबसे पहले मतदान का उनका विषय है, मतदान करने वाले हैं, साथ ही अन्य काम वो बाद में करने वाले हैं। वो उत्साह लोगों में लगातार देखा जा रहा है क्योंकि अपने और अपने करीबियों को जो जागरूकता अभियान उन्होंने जिन मुद्दों पर वोट करना है तो वो उत्साह लगातार मतदाता के भीतर दिख रहा है और लगातार बूथ पर पहुंचकर अपनी बात भी वो वोट के माध्यम से कहते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए ठीक है जितेंद्र, आप मेरे साथ बने रहिए, ऐसा से मेरे सहयोगी मोहम्मद आसिफ भी मेरे साथ लगातार स्क्रीन पर जुड़े हुए हैं। आसिफ, अगर एटा की हम बात करें तो यहाँ ग्राउंड जीरो पर कैसी तस्वीरें देखी जा सकती हैं? जी मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का ये जनपद एटा, ये सदर सीट है जिसको सियासी पिच कहा जाता है, यादव का गढ़ जी। यहाँ पर समाजवादी पार्टी से जोगेंद्र सिंह यादव जो की, और बसपा से अजय यादव जो की समाजवादी पार्टी से थे, टिकट न मिलने पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ा और बसपा का दामन थामा। लगातार कांटे की टक्कर चल रही है, देखना ये है कि इस बार EVM में किसका नसीब कैद होता है, जनता किसको तय करती है। तो क्या वो भीड़ नजर आ रही है?
जी सुबह से मतदान लगातार करने के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन अपेक्षा देखी जाए क्योंकि सर्दी का माहौल है, लोग अभी कम निकल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब टाइमिंग लगातार बढ़ती जा रही है, मतदाता लगातार अपना मत का प्रयोग करने के लिए जल्द से जल्द आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है कि मतदाता जो है वो पूरी तरह से जागरूक है। एटा की हम बात करें आसिफ, तो एटा में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर मतदाता आज वोट डाल रहे हैं या आने वाले समय में डाल सकते हैं? देखा जाए मैम, बात करनी जाए कि समाजवादी पार्टी का एक एजेंडा है कि विकास को लेकर और आए दूनी एटा में देखा जाए तो अभी तक हमारे यहाँ स्वास्थ्य से लेते कुछ भी नहीं हुआ है, शिक्षा से भी हमारा एटा पिछड़ा हुआ है, और सड़कों की जो दुर्दशा, जिसे डिप्टी सीएम का कहना होता है कि गड्ढा मुक्त और एटा में देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं लगता, विकास पांच साल में कम्प्लीट ही नहीं हुआ। तो इस बार समाजवादी पार्टी का जो वोटर है, मत है, वो उसका प्रयोग कर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को सत्ता में बैठाना चाहता है। बिल्कुल आसिफ, देखिए अगर एटा की हम बात करें तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि सपा का अच्छा वर्चस्व हमेशा से ही रहा है, लेकिन 2017 में जो एक कमल की आंधी आई थी उसने सब कुछ उड़ा दिया था। तो ऐसे में अगर हम बात करें यहाँ पर जो बीजेपी प्रत्याशी है विपिन वर्मा डेविड, वहीं एसपी के जो प्रत्याशी है जुगेंद्र सिंह यादव, बीएसपी के जो प्रत्याशी है वो भी यादव ही है, कांग्रेस ने यहाँ ब्राह्मण को प्रत्याशी बनाया है, तो कितना असर देखने के लिए मिल सकता है? कड़ी टक्कर क्या विपिन और जुगेंद्र में होगी या फिर जुगेंद्र और अजय में हो सकती है, क्योंकि दोनों यादव हैं? देखा जाए कि जो अजय यादव है वो बहुजन समाजवादी का दामन थामे हुए, लेकिन टक्कर जो है हमारी, जो मतदाता इस्तेमाल कर रहा है कि या तो कमल खिलाना है या इस बार यूपी में साइकिल चलानी है, सिर्फ टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में है। बसपा दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। जी जी, कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि बसपा ने अपना जो कैंडिडेट यहाँ पर प्रत्याशी उतारा है, कहीं ना कहीं समाजवादी साइकिल को पंचर करने के लिए उतारा है। बिल्कुल, और इसके अलावा देखिए अगर हम सपा की बात करें तो सपा का मुख्य इस बार जो घोषणा पत्र में भी बिंदु रहा है वो ये कि 300 यूनिट जो बिजली है वो मुफ्त दी जाएगी। ऐसे में बड़ा जो दाव है वो सपा ने यहाँ खेला है, इसका असर कितना एटा में देखने के लिए मिल सकता है? देखने को जो भी अखिलेश यादव का चाहने वाला वोटर है या जो भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा वर्ग का लोग है, एसटी कास्ट का लोग है, जो नीचे लोग दल उसको सपोर्ट करते थे, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के मैनिफेस्टो को लेकर लगातार वो अखिलेश यादव को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहते हैं 2022 में अखिलेश यादव सत्ता वापसी करें, रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा पे तमाम राजनीतिक दल बात करेंगे। कहीं ना कहीं लोगों का मैं मानना ये भी है कि सारे राजनीतिक दल नेता अपना हुक्म आजमाने के लिए आय बढ़ाने की बात करते हैं, बिजली माफ करने की बात करते हैं, ऐसे में वोटर इस बार जो वोट की चोट जो देगा वो इस प्रकार देगा क्योंकि उसको बेरोजगारी से वोट देना है, जो महंगाई लगातार चरम सीमा पर, उसको कम करने के लिए वोट देना है। देखिए अगर हम इस पूरे चुनाव प्रक्रिया की बात करें और कई महीनों से जो हम देख रहे थे जनसभाएं हो रही हैं, जनसंपर्क हो रहा है, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, उसमें बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि हम विकास को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, हमने विकास किया इन 5 सालों में जिसको लेकर जनता उनको वोट देगी, लेकिन इसी विकास के बीच में 300 यूनिट मुफ्त बिजली आ जाती है, बेरोजगारों को रोजगार की बात आ जाती है कि हम सरकारी नौकरियां देंगे, तो ऐसे में क्या लग रहा है, जनता मुफ्त और नौकरी की तरफ है या फिर विकास की तरफ है? इस बार जो जनता मैम जागरूक हुई है वो विकास के मुद्दे पर जागरूक हुई है, जिस तरीके समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कहती है, जिसे हमने अपने कार्यकाल में हमने राशन मुफ्त दिया, वही समाजवादी पार्टी के वोटरों को आरोप है ये हमको सिर्फ हराम की आदत लगा रहे हैं, जब तक विकास नहीं होगा हमारा कोई नेता नहीं होगा। बिल्कुल आसिफ, आप मेरे साथ बने रहिए, जितेंद्र भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, कानपुर देहात की हम बात करें तो कानपुर देहात में सपा का कितना वर्चस्व देखा जा सकता है, क्या कोई असर सपा का, कोई आंधी? देखिए बिल्कुल, जो मुद्दे हैं जनता के बीच में, जो लोग अपने इस बार जो कि वोट की चोट करने वाले हैं, उनमें तीन ही मुद्दे अहम है, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे अन्ना मवेशी की बात हो, तो ये बड़े मुद्दे हैं जिन पर लगातार सरकार जो सत्ता पक्ष पर हमलावर यहाँ की जनता है, और जनता जवाब इसका इस विधानसभा चुनाव को लेकर इन्हीं मुद्दों के तहत वो वोट करने वाली है, और इन्हीं मुद्दों के तहत वो इन सारी बातों को अपनी वोट के माध्यम से कहने वाली है। मेन मुद्दे यही है जनता के, हालांकि रोजगार मिला नहीं और महंगाई चरम पर है, लोग लगातार किसान परेशान है, डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, तमाम जो अन्ना मवेशी है वो मेन मुद्दा यहाँ लोगों के बीच में है। लेकिन इस बार बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान जनपद कानपुर देहात की 4 विधानसभाओं सीटों में मिलने वाला है। जी
आम जनता ने क्या मन बनाया है, कौन कौन से मुद्दे हैं, क्या सिर्फ रोजगार मुद्दा है या इसके अलावा बढ़ता क्राइम जो है वो भी मुद्दा हो सकता है, क्योंकि 2012 में एक अच्छा खासा रिस्पांस जो है वो सपा को मिला था, 224 सीटें यहाँ पर सपा जो है जीतने में कामयाब रही थी। इसके अलावा अगर हम 2017 की बात करें तो फिर ये सीटें बहुत कम बची थी। ऐसे में क्या एक बार फिर से अखिलेश यादव पर जनता विश्वास जताना चाहती है कानपुर देहात में? देखिए बिल्कुल, अब की बार जो बदलाव के स्वर हैं वो लगातार देखे जा रहे हैं। लोग अपने आप बोल रहे हैं कि जो 5 साल में केवल पत्थरों पे विकास हुआ है, पत्थर लगाकर उनको छोड़ दिया गया, शिलान्यास हो गया, सड़कें बनी नहीं, गड्ढा मुक्त का सपना था वो हुआ नहीं, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं। किसान रात भर अपने खेतों की रखवाली करता है, सर्दी का आलम है, कई किसान इस आवारा मवेशियों की चपेट में आकर हालांकि उनकी मौत भी हो गई, तो राहगीर भी सड़क पर, हाईवे पर, तमाम अन्ना मवेशी, ये बड़ा मुद्दा है जो कि इस बार किसानों की जो समस्या है, लगातार किसान अपनी समस्या बता रहे थे और राजनीतिक दल जो इस फील्ड पर जा रहे थे, तो केवल विपक्ष की अगर बात करें सत्ता में जो 4 सीटें थी वो इस बार भारी नुकसान होने वाला है, और दूसरी बात करें तो सपा को यहाँ अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलेगी, जनता फिलहाल इसी पर वोट करने वाली। बिल्कुल जितेंद्र, और कहीं ना कहीं लग रहा है जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक अच्छा खासा रिस्पांस जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी को देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम चारों विधानसभा सीटों की बात करें कानपुर देहात की, तो यहाँ पर किसके बीच कांटे की टक्कर है, क्या बीजेपी सपा या बसपा भी कहीं दिखाई दे रही है, और कांग्रेस की कोई बात नहीं कर रहा है? प्रियंका गांधी मैदान में उतरी, बढ़ चढ़कर चुनाव प्रचार किया, घोषणा पत्र में भी तमाम वादे दावे किए हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा, स्कूटी, लैपटॉप, स्मार्टफोन, इसका कितना असर युवाओं के बीच देखने के लिए मिल रहा है? देखिए बिल्कुल, हम शुरुआत से अगर बात करें तो अकबरपुर रनिया विधानसभा सदर की सीट है, यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है, दूसरी बार फिर उसी कैंडिडेट को टिकट मिला है, यानी प्रतिभा शुक्ला पुनः यहाँ से प्रत्याशी है, और नए प्रत्याशी की बात करें तो समाजवादी पार्टी से आरपी कुशवाहा फील्ड पर है, और अमरीश सिंह सेंगर जो कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से है, और विनोद पाल जो है बहुजन समाज पार्टी से है। तो टक्कर की बात करें तो इस विधानसभा सीट में केवल 2 ही लोगों की टक्कर है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। तो ये अकबरपुर रनिया का समीकरण। अब सीधे लिए चलते हैं आपको भोगनीपुर विधानसभा में, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, यानी बीएसपी भी यहां पर लड़ाई पे है और कांग्रेस भी है और समाजवादी पार्टी भी है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी मतलब 4 कैंडिडेट जो मेन प्रत्याशी है वही लगातार फील्ड पर है और इन मुद्दों के तहत वो चुनाव मैदान पर है, और जनता इनको त्रिकोणीय मुकाबला भोगनीपुर सीट पर मान रही है। वही बात करें रसूलाबाद सीट की, कानपुर देहात की रसूलाबाद सीट की, तो यहाँ बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी 3 में ही मुकाबला है, बाकी अगर एक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहाँ लड़ाई से बाहर है। बात अब सिकंदरा विधानसभा की, तो मेन जो लड़ाई है सिकंदरा विधानसभा में कांग्रेस और क्या नाम ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी, बीएसपी का ग्राफ है लेकिन उतना नहीं है, मेन लड़ाई 3 में ही है, समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीएसपी। तो ये मान सकते हैं चारों विधानसभाओं में कहीं आमने सामने बीजेपी समाजवादी पार्टी है, तो कहीं त्रिकोणीय मुकाबला अंतर आ रही है। मेन अगर लड़ाई की बात करें तो मेन लड़ाई 2 ही पार्टियों में जनपद कानपुर देहात की 4 सीटों में देखने को मिल रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी और बीजेपी ये आमने सामने में मतलब टक्कर है, और इस टक्कर को देखते हुए अगर जातीय समीकरण, जातिवाद और तमाम जो मुद्दे हैं, धार्मिक इशू है, उन पर अगर चोट की जाए तो जनता इन पर न जाकर जो मेन मुद्दे हैं 3, अन्ना मवेशी, महंगाई और बेरोजगारी, इन मुद्दों पर ही जनता वोट करने वाली। किसानों का असर कितना देखने के लिए मिल रहा है कानपुर देहात में, क्योंकि चुनाव से पहले ही एक बड़ा मुद्दा किसानों का बन गया था? किसानों की बात करें, जी मैं सुन पा रहा हूँ, किसानों की बात करें तो किसान लगातार दिन में अपना काम करते थे और रात में वो घर पे सो नहीं पाते थे। मेन मुद्दा उनका ये रहा कि अन्ना मवेशी से निजात मिली रही, धान कृषि केंद्र जो बनाए गए थे उनमें उनकी धान खरीदी नहीं गई, गेहूं की बात करें गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए लेकिन घोटाले की भेंट ये सब चढ़ गए। तो किसान इस तरह से परेशान दिखा, सरकार की योजनाएं धरातल पर दिखी नहीं, केवल हवा हवाई बातों की बात करें तो हवा हवाई बातें ही
जनपद कानपुर देहात के लोगों के द्वारा यहाँ देखी गई। तो ये मुद्दे हैं जो अच्छा खासा किसानों की तरफ से भी बीजेपी को नुकसान देने वाली बातें सामने निकल कर आ रही। चलिए ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। आसिफ का मैं रुक करूंगी, बहुत देर से हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, यानी कहा जा सकता है कि जागरूक तो बहुत ज्यादा है। एटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान जो है वो भी है, तो किसानों का असर कितना ज्यादा दिख रहा है? मैं किसानों की बात करूंगा, किसान भाषा का हिस्सा लेने की इस बार कोशिश कर रहा है, लेकिन ये तय नहीं कर सकते हम किस तरह किसान इस बार किसकी तरफ बढ़ रहा है, कि इस बार किसको काबिज कराना चाहता है सदर सीट पर, ताकि चारों विधानसभा पर। आसिफ, क्या आपके पीछे जो मतदाता है उनसे बातचीत हो सकती है? मतदाता से जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं मतदाता से बात कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कोशिश करिए अगर बात हो सके तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मतदाता को जो वोट डाल के ये वोट डाले उनको लोग। दो मिनट में मेरे साथ कुछ वोटर दान करने के बाद आएंगे, मैं आपको उनसे रूबरू कराऊंगा मैं। चलिए ठीक है, लेकिन आपने बात तो कर ही ली होगी क्योंकि आप सुबह से ही वहां पर बने हुए हैं ग्राउंड जीरो पर। क्या लग रहा है, मतदाता खुश होकर वोट कर रहा है या परेशान होकर वोट कर रहा है? कुछ कुछ वोटर हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, बात करने की करते हैं जी। वोटर ये हमारे साथ वोटर है मैम, बात करने के लिए, और देखना ये है कि इस बार ये किस मुद्दे पर आप मतदान कर रहे हैं। बेरोजगारी, हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत है, ये मतलब इनसे पूछिए, आसिफ इनसे पूछिए कि अखिलेश यादव कहते हैं कि हम सत्ता में आए तो हम सरकारी नौकरियां देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, तो क्या विश्वास जता पा रहे हैं अखिलेश यादव पर? जिस तरीके से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का कहना है कि वो सत्ता वापसी करेंगे, बेरोजगारों को नौकरियां देंगे और तमाम ऐसी योजनाएं यूज करेंगे, क्या आप उसमें खुश है? क्या लगता है कि अखिलेश यादव आप कर सकते हैं? बिल्कुल, पहले भी किया, बिल्कुल करेंगे। जी, बीजेपी से कितने खुश है, क्योंकि 5 सालों में बीजेपी कहती है कि हमने बहुत विकास किया है, एक्सप्रेस वे हो या फिर यहाँ पर सड़कें हो हमने दुरुस्त की है, माफिया राज को पूरी तरह से खत्म किया है, भ्रष्टाचार को खत्म किया है। एटा की जनता क्या सोचती है? क्या लगता है कि 5 साल बीजेपी काबिज रही सदर सीट पे, चारों विधानसभा पर, क्या उसके विकास रहे, वो एक्सप्रेस वे बनवाया या तमाम योजनाओं को लेकर किया, क्या आप उसके काम से खुश हैं? नहीं, वो तो ठीक है, पर बेरोजगारी भी अहम मुद्दा है। बेरोजगार हमारी एज है, एज निकल रही है, अब हम लोग क्या करें? अगर रोजगार नहीं मिलेगा हम क्या करेंगे? बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। मानते हैं, वोटर कहते हैं मुद्दा है बेरोजगारी। मुद्दा बेरोजगारी है, बहुत ज्यादा परेशान आम जनता है। और भी कुछ मतदाता नजर आ रहे हैं, आसिफ उनसे बात करिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए किन मुद्दों, क्योंकि युवा भी है। आज आप मतदान करने आए हैं किन मुद्दों को लेकर और किस पार्टी के लिए आप मतदान? पार्टी का तो नहीं कह सकते लेकिन शिक्षा के मुद्दे पे वोट डालना चाहिए। और विकास को लेकर क्या? विकास को शिक्षा हो जाएगी अच्छी तो विकास को ऑटोमेटिकली। आसिफ, शिक्षा की लगातार ये मतदाता बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि क्या ये स्टूडेंट है, कोई तैयारी कर रहे हैं किसी चीज की? शिक्षा की बात कर रहे हैं आप, तो क्या लगता है कि आप किसी नौकरी के लिए आप लगातार हाथ बढ़ा रहे हैं आगे? आप स्टूडेंट है, पढ़ाई करें, क्या कुछ है? नहीं, स्टूडेंट तो मैं खैर नहीं हूँ, मेरा खुद का व्यवसाय है, फिर भी मैं यही चाहूंगा कि शिक्षा का स्तर अच्छा हो। आसिफ कह रहे हैं खुद का व्यवसाय है, व्यापारियों को लेकर विपक्ष सरकार पर बहुत निशाना साधती है कि व्यापारी खुश नहीं है, भाजपा की सरकार में व्यापारियों पर अत्याचार हुआ है। क्या लगता है कि विपक्ष सरकार लगातार भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाती है कि व्यापारी इस सरकार में खुश नहीं है, तो क्या कुछ सके इसको लेकर? आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर हम सब खुश हैं सरकार में, इसको लेकर ही वोट करना चाहिए। आज अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है आपके वादे पूरे हो सकते हैं जो आप मत जिसको दे रहे हैं? वादे तो कुछ नहीं, वादे तो सब सरकारें करती हैं, वादे तो 3% पूरे हो पाते हैं, लेकिन फिर भी इस सरकार ने कुछ अच्छा काम किया है, देखते हैं।
जी शिक्षा को लेकर ये वोटों का कहना था कि शिक्षा अभी हमारे प्रदेश में पीछे है, शिक्षा के लिए ये वोट करने आए हैं। बिल्कुल आसिफ, इससे समझ में आता है कि आम जनता पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है। आप चाहे जितने भी दावे और वादे कर लीजिए, लेकिन आम जनता को चाहिए कि शिक्षा का स्तर बेहतर हो, उनके इलाके का, उनके क्षेत्र का विकास हो, तभी वहाँ की आम जनता जो है वो आगे बढ़ पाएगी, उनके बच्चों का जो भविष्य है वो उज्ज्वल हो पाएगा। आसिफ आपका रुख करूंगी, जितेंद्र के पास मैं अभी जाऊंगी। जितेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, एटा से भी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम वहां पर मौजूद है। एटा में जो मेन मुद्दा है वो शिक्षा का है, बेरोजगारी का है। कानपुर देहात में क्योंकि क्राइम बहुत ज्यादा है, ऐसे में इसको रोकने के लिए इन 5 सालों में सरकार कहती है कि हमने बहुत कोशिश की है। 2017 से पहले जब सपा की सरकार थी तब क्राइम बहुत ज्यादा था, कितना अंतर देखा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल बात ये कही जा सकती है कि अगर क्राइम की बात करें तो लगातार बढ़ोतरी हुई पिछली सरकार की अकॉर्डिंग, इस सरकार में भी लगातार जो क्राइम है वो बढ़ा है, घटा नहीं है कहीं। अगर सर्वे उठा लीजिए तो उसमें भी यही आएगा कि योगी सरकार भी इस क्राइम के मामले में नकेल नहीं कस पाई और लगातार बढ़ते हुए आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। लेकिन कुछ अफसर ऐसे थे, जनपद कानपुर देहात की बात करें तो स्वप्निल ममगई, जब से पुलिस अधीक्षक का पद उन्होंने कानपुर देहात में संभाला है तब से अपराधियों की सामत ही आ गई है कि लगातार वो लोग पुलिस विभाग इतना एक्टिव है कि अपराधियों पर लगाम लगाते हुए देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिलों की बात, तो अगर अफसरान जो है वो अगर अपना काम करना चाहते हैं तो फील्ड पर क्राइम कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अफसर ममगई का जिक्र आपने किया है, आम जनता खुश है उनके काम से, उन पर विश्वास जता पाती है कि हाँ ये जब तक यहाँ पर है तब तक क्राइम का ग्राफ जो है वो कंट्रोल में रहेगा, अपराधी डरेगा अपराध करने से पहले। देखिए बिल्कुल, हम आज ये चुनाव का पीरियड चल रहा है, मतदान हो रहा है, अगर इसके पहले की बात करें तो कई ऐसे अपराधी हैं, चाहे वो अवैध शराब का काम हो, चाहे वो मादक पदार्थों की बिक्री का काम हो। तो स्वप्निल ममगई जो पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन पर लगातार ये अभियान चलाए जा रहे थे कि कई बड़े अपराधियों को वांछित थे, वो कई आपराधिक घटनाओं में उनको अरेस्ट किया है, पुलिस को कामयाबी मिली है। तो कहीं ना कहीं एक निर्देशन का अच्छा खासा अनुभव है स्वप्निल ममगई जी को और लगातार वो चीजें धरातल पर देखी जा रही हैं। तो क्राइम कंट्रोल अगर अफसर शाही चाहे तो लगातार करी जा सकती है, लेकिन अफसरान सत्ता पक्ष के में आकर या अन्य राजनीतिक समीकरण में फंसकर क्षेत्र में काम नहीं करेंगे तो क्राइम का ग्राफ तो सीधी सी बात है बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। तो हम कह सकते हैं कानपुर देहात में लगातार क्राइम कंट्रोल है और इस दौरान जब से पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगई के द्वारा यहां अपने पदभार ग्रहण किया गया तब से लगातार अपराधियों पर नकेल कसती हुई नजर आ रही। चलिए ठीक है जितेंद्र, लेकिन 2020 में जो इतना बड़ा कांड हुआ था, बिकरू कांड, किसी से छिपा नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं देश भर ने वो तस्वीरें देखी थी, उसको लेकर राजनीति भी बहुत हुई थी और यहाँ पर विपक्ष कहता है कि लगातार इस कांड को लेकर ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, योगी सरकार ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रही है, ब्राह्मणों का एनकाउंटर कर रही है, ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष जो है सरकार को घेरता हुआ नजर आया, इसका कितना असर देखा जा सकता है इन चुनावों में? देखिए बिकरू कांड देश का सबसे चर्चित कांड कहा जा सकता है क्योंकि 8 पुलिस कर्मियों की यहाँ एक ही रात में एनकाउंटर शूट आउट के दौरान मौत हुई थी, तो बड़ी वजह है। वहीं अगर ब्राह्मणों की जातिवाद की बात करें तो ब्राह्मणों में इस बिकरू एनकाउंटर के बाद जहां विकास दुबे को एक भागने के दौरान गोली लगी थी उसकी मौत हो गई थी, तो ब्राह्मणों में अच्छा खासा नाराजगी का जो दौर था सरकार भी उसको महसूस कर रही थी और जो ब्राह्मण समुदाय है वो भी लगातार अपने विरोध के स्वर अलग अलग तरीके से हर जगह देखे गए थे। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव पर कुछ न कुछ उसका इफेक्ट भी पड़ सकता है कि चूंकि एक ब्राह्मण समुदाय जो बड़े चेहरे माने जाते हैं वो लगातार चाहे BSP की बात करें, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करें और चाहे वो BJP की बात करें, तो इन पार्टियों में ब्राह्मण चेहरे भी हैं जो प्रत्याशी भी हैं और लगातार फील्ड पर जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि मताधिकार का प्रयोग करने वाली जनता इस मुद्दों पर भी इस बार जवाब देने वाली है। चलिए ठीक है जितेंद्र, आप नजर बना के रखिए, आपसे थोड़ी देर में मैं बातचीत करूंगी। आसिफ लगातार बने हुए हैं एटा से। आसिफ देखिए, अगर बात की जाए एटा की तो यहाँ का जातीय समीकरण क्या कहता है? बात करें मैम एटा की तो एटा यादव बहुमलगढ़ है,
यादव और मुस्लिम समुदाय की परसेंटेज सबसे ज्यादा है। आसिफ आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, जाति समीकरण की मैं बात कर रही हूँ। आप कह रहे हैं यादव बहुत ज्यादा है, लेकिन ये असर 2017 में क्यों नहीं दिखाई दिया था? क्या यादव भी नाराज हो गए थे अखिलेश यादव से? जी कहीं ना कहीं कह सकते हैं यादव नाराज हो सकते हैं, या कह सकते हैं जातिवादी को बात करते हैं, क्योंकि पिछली बार जो विधानसभा को लेकर चल रही थी चर्चा के जो मुस्लिम समुदाय कैंडिडेट से लड़ाने के लिए, लेकिन उनको न जिताकर उन्होंने कहीं ना कहीं मत का भारतीय जनता पार्टी को प्रयोग दिया था। तो इस बार क्या लग रहा है, इस बार का जो एटा की जनता है वो क्या जातिवाद को लेकर मतदान कर रही है, या इस बार जनता सोच रही है कि जो जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, बेहतर विकास की जरूरत है, वहां पर उनके इलाके में उनके जो बच्चे हैं वो अच्छे से रहें, और जो अपराध है वो कम हो, महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहा है वो कम हो, इनको लेकर मतदान हो रहा है? जी इस बार देखा जाए तो ये यादव की बात करूं बहुमत क्षेत्र कहलाता है ये एटा, और इसमें देखा जाए कि इस बार जातिवादी को नहीं, कहीं ना कहीं सपा अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार जातिवादी को नहीं, सिर्फ साइकिल का बटन दबाकर विजय बनाना है, और जो योजना वो जिस चीज को मैनिफेस्टो जारी किया है वो उस पर तक तैयार रहेंगे, और इसी मैनिफेस्टो को लेकर कुछ मतदान कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षा को, सुरक्षा को, स्वास्थ्य को, बेरोजगार को, के 5 साल में जो युवा पढ़े लिखे थे बेरोजगार थे उनकी नौकरियां नहीं मिली, जो अनपढ़ हैं वो भी अनपढ़ की तरह हैं, पढ़े लिखे हैं वो भी अनपढ़ की तरह हैं, तो कहीं ना कहीं जो इस बार मत का इस्तेमाल हो रहा है वो शिक्षा, सुरक्षा और बेरोजगारी पर हो रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है आसिफ, आप नजर बना के रखिए, आपसे अपडेट लगातार मैं लेती रहूंगी, आप बने रहिए मेरे साथ। हाथरस से दीपेश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपेश, हाथरस में कैसी तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि हाथरस भी 2020 में काफी चर्चा में आया था, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में। दीपेश की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। दीपेश आप अपनी जो एयरफोन से उसे कनेक्ट कर लीजिए, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। दीपेश नहीं, दीपेश आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। आसिफ के पास एक बार फिर मैं जाऊंगी। आसिफ, एटा के बारे में एक बार फिर से समझाइए, क्या गुणागणित हो सकता है यहाँ? एक मेरे साथ मैं वोटर जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, बात कीजिए उनसे, कोशिश करेंगे उनसे। जी जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप बिस्तरिया है। आज आप किस मुद्दों पर मतदान दे? मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आज, मुझे आज मतदान करके 50 वर्ष पूरे हो। जी 1971 मैंने पहली बार वोट, और मैं हमेशा मतदान करता हूँ, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे लोकसभा का, विधानसभा, नगर पालिका, हम हमारे परिवार। किस मुद्दे पर इस बार शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था और अच्छा लोग हो? नहीं, हमें ये भी देखता हूँ मैं कि प्रत्याशी कैसा है, वो गुंडा है, बदमाश है, तो मैं उसको वोट नहीं करूँ, नोटा में वोट देना चाहता हूँ। जी इसके बाबा जो आजकल यहाँ प्रत्याशी है, लेकिन ये डेविड के बाबा भी यहाँ से सत्तावन से लग मिले लगे थे, 4-5 बार 19 साल, फिर उसके बाद इसका भाई हुआ, इसका चचेरा भाई हुआ, तो बीच में का तो लोग बदलते गए, लेकिन लौट के फिर यही लोग इसीलिए आ गए क्योंकि ये परिवार थोड़ा ठीक। वैसे भी ये जो अजय यादव हैं, इनके पिता भी MLA रहे थे 3 बार 1970 में, वो लोकदल में चले गए भारतीय क्रांति दल। आसिफ काफी काफी बुजुर्ग हैं और एटा को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, इनसे पूछिए, एटा को इन्होंने बदलते देखा है, एटा को उन्होंने विकसित होते देखा है, कितना बदलाव पहले में और अब में? सर आपको इतना लंबा समय मतदान करते हुए आपने एटा का कितना विकास, कितना डेवलपमेंट होते देखा? एटा का विकास लोकसभा के सदस्यों को निर्भर करता है, लेकिन लोकसभा के सदस्य जितने भी अब तक हुई से जुड़े थे तो वो रेलगाड़ी भी नहीं ला पाए, रेलगाड़ी तो लाए थे यहाँ पे कुछ और, और इन्होंने इतना किया था कि पहले मिशन नदी के किनारे चमकरी में रेलवे स्टेशन बन रहा, तो इन्होंने अपनी जगह पट्टे पे देने की वजह से सरोदा आश्रम आज वो जगह है जहाँ माल गोदाम है, वो हिस्सा इन्होंने पट्टे पे रेलवे को दिया, तो इसलिए वहां से खिसका के यहाँ तक गया, इतना सहयोग रहा।
तो इतना लंबे समय आपको मत हुआ तो आपने कितना एटा बदलता देखा तस्वीर देखा? एटा मैंने गुंडागर्दी बदलती देखी। आसिफ आखिरी आखिरी सवाल इनसे पूछिए कि अब ये क्या चाह रहे हैं, क्या किस तरह से देख रहे हैं, इन पांच सालों से खुश हैं या आप बदलाव चाहते हैं? अब तरीके से आप देखते हैं 2022 में बदलता हुआ, क्या आप खुश हैं? हाँ, कोशिश तो यही है, मैं चाहता हूँ शायद। चलिए ठीक है आशिव, मैं आपका रुख करूंगी। हाथरस से मेरे सहयोगी दीपेश भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। दीपेश, क्या अब आवाज आ रही है मेरी? दीपेश, लेकिन आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए ठीक है, कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। आसिफ, अभी एक बुजुर्ग आपके साथ जुड़े, आपने बातचीत की उनसे, उन्होंने बहुत बखूबी अच्छे से बताया क्योंकि वो बहुत अच्छे से एटा को जानते हैं। उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार बदलाव हमें दिखे, लेकिन विकास भी इन पांच सालों में काफी अच्छा हुआ है। यानी ये कहा जा सकता है कि मिली जुली जो प्रतिक्रियाएं हैं वो एटा में देखने के लिए मिल रही है। आप बता रहे थे कि ये यादवों का गढ़ है, लेकिन इस बार जिस तरह से अखिलेश यादव ने हुंकार भरी है, इस गठबंधन ने जो हुंकार भरी है, उससे हम कह सकते हैं कि अभी जल्दबाजी है कुछ भी कहना। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार अभी डिप्टी सीएम का दौरा था एटा में, तो उनको उनका कहना साफ तौर पर यह था कि मेरा एटा आने का मतलब ही है कि विरोधियों की जमानत जब्त कराना और हमारी जीत तो पक्की है, सिर्फ मतपेटियां खुलना बाकी है। आसिफ, एटा के कितने विधानसभा सीटें हैं? वहीं पे चार विधानसभा, ठीक है, और इन सभी विधानसभाओं में यही असर दिखाई दे रहा है। आप इस वक्त कहां मौजूद हैं? जी, मैं इस पर 104 विधानसभा पर मौजूद हूँ, सदर सीट पर। तो यानी ये शहरी इलाका है, विकास अच्छा खासा हुआ होगा? जी, जरा जिस तरीके से अभी मेरे साथ ओल्डेज अभी जो जुड़े हुए थे, वो उन्होंने बताया कि 50 साल कंप्लीट भी हो गया, लेकिन डेवलपमेंट अभी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ जो हुआ गुंडागर्दी को लेकर बताया, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा विकास को अब तक उन्होंने कुछ नहीं बताया, साफ तौर पर देखा आपने, मैं बताते हुए। यानी कहा जा सकता है कि शहरी इलाकों का भी अभी तक विकास नहीं हो पाया है, तो अन्य विधानसभा क्षेत्रों में तो तस्वीर बिल्कुल साफ होगी कि जरा भी विकास छुआ नहीं होगा। जी जी बिल्कुल। दीपेश के पास एक बार फिर से मैं जाऊंगी। दीपेश, किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने के लिए मिल रही है? दीपेश की आवाज नहीं आ पा रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से दीपेश की आवाज नहीं आ पा रही है। आसिफ का ही मैं रुक करूंगी। आसिफ, आप ही हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि दीपेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आप ही बताइए एटा को जरा समझाइए। देखा जाए कि अभी जिस तरीके से अखिलेश यादव का बिजली यूनिट को लेकर है, बिजली यूनिट को लेकर बात करी जाए, अभी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल जैन का कहना यह था कि अखिलेश यादव केजरीवाल बनने की कोशिश नहीं करें वरना वो मारे जाएंगे, वरना वो अखिलेश केजरीवाल तो जो है दिल्ली में चला लेता है लेकिन ये नहीं चला रहे, तो कहीं ना कहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी निशाना है कि 300 यूनिट जो कबार चला है कि अखिलेश यादव प्रदेश भर में नहीं चला पाएंगे, ये सब कुछ वोटर जोड़ने बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आसिफ, यानी कहा जा सकता है कि यादवों के गढ़ में इस बार बदलाव जरूरी है। 300 यूनिट बिजली से कितने खुश हैं यादव? गरीब तबके की बात करूं तो गरीब तबका जिसका भरण पोषण नहीं होता ऐसी महंगाई में, तो कहीं ना कहीं वो अखिलेश यादव के मैनुफेक्चर से खुश है, वो चाहता है अपने मत का प्रयोग करना, चाहता है कि अखिलेश यादव सत्ता वापसी करें, कम से कम उनके बिजली की कमाई आमदनी से वो निजात को पा सकेंगे, इनके साथ वोटर जुड़े हुए बात करने की कोशिश करेंगे इनसे भी। आसिफ, बात हो पा रही है मतदाताओं से? जी, क्या नाम है आपका? बिल्किस। इनकी आवाज, आसिफ इनकी आवाज नहीं आ पा रही है, जो महिला मतदाता यहाँ पर मौजूद है इनकी आवाज नहीं आ पा रही। आसिफ, अखिलेश भाई हो जाता अच्छा है। जी जी, अब आवाज आई मैम? जी
तेज बोली सर। अखिलेश भाई हो जाता अच्छी बात है, हम लोगों को ये अपने ये वोटर जो भी मत कर रहे हैं, इनका कहना है कि बेरोजगारी को लेकर अखिलेश यादव को सत्ता वापसी कराना चाहते हैं। और क्या कुछ विकास चाहते हैं एटा के लिए? बहुत कुछ चाहते हैं अगर हो गरीबों के लिए। यानी कहा जा सकता है आशीष कि यहाँ पर जो ये महिलाएं हैं ये चाहती हैं कि उनके क्षेत्र का विकास हो। इनसे पूछिए कि महिला सुरक्षा को लेकर 5 सालों में भाजपा ने बहुत दम भरा है, कितनी खुश है ये? आपके पास भारतीय जनता पार्टी सदस्य बात करूं, महिला को लेकर सुरक्षा की जो बात करते थे बीजेपी, तो कितना महिला सुरक्षा रही, क्या कुछ जानकारी? ठीक है आसिफ, तो ये समझ आ रहा है कि महिलाएं ये चाहती हैं कि इस बार जो है बदलाव हो, क्योंकि बदलाव होगा तभी कुछ और तस्वीर उन्हें देखने के लिए मिल पाएगी। मिली जुली प्रतिक्रियाएं लगातार हम देख रहे हैं, आप मेरे साथ बने रहिए। एक बार फिर से आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में आज तीसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। ऐसे में 16 जिलों की 59 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, बेहद अहम ये चरण। हालांकि जो सारे चरण है वो बेहद अहम है, लेकिन इस चरण को बहुत ज्यादा अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ये जो इनमें से कुछ सीटें हैं वहां पर कहीं ना कहीं जो सपा का वर्चस्व है, जो गढ़ है, वो हमेशा से ही रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव की साख भी इस चरण में दांव पर लगी हुई है। ऐसे में अपने सहयोगियों का लगातार हम रुख करते रहेंगे। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।